जय गणेश। मैं पंडित दौलताराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शिक्षक योग के बारे में, अध्यापक योग के बारे में। ये योग किस प्रकार बनता है, जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हो तो ये योग बनता है। पहला आपको ये बताता हूं कि अगर कुंडली के अंदर लग्न में मिथुन राशि हो या कन्या राशि हो या धनु राशि हो और इनके स्वामी बलवान हो, उच्च स्थिति में हो, तो ये शिक्षक योग बनाता है। दूसरा है, जन्म कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा बलि हो तो जातक अध्यापन से काम करता है, अपनी अध्यापन से आजीवन करता है। तीसरा योग, यदि पंचम या नवम भाव बलि हो, पांचवां घर और नौवां घर ये बलि हो या इनमें शुभ ग्रह बैठे हो या इन भावों को शुभ ग्रह देखते हो तो वो जातक शिक्षक बनता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि भाव तथा नवम भाव धर्म तथा भाग्य से रिलेटिव है, ये संबंध रखता है। अतः इन दोनों भावों के बलि होने से अध्ययन क्षेत्र से सफलता निश्चित है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेवे, और जिसने पहले से कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा योग है, कुंडली में बुध और गुरु, जो कुंडली है इसके अंदर बुध ग्रह और गुरु ग्रह बलवान हो, अच्छी स्थिति के अंदर हो, नवम में हो या पंचम भाव में हो, तो जातक शिक्षक बनता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का और गुरु ज्ञान का कारक है, इसलिए वह शिक्षक बनता है। यदि गुरु और चंद्रमा के साथ बुद्ध या शुक्र शुभ स्थान में स्थित हो तो जातक परामर्श या अध्ययन से आजीविका अपनी कमाता है। तो यह योग आपको मैंने शिक्षक के बारे में बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय गणेश।